सेहत इंसान का एक ऐसा गहना जिसके बिना सुखी जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी ही सेहत को बरकरार रखने के लिए हम अच्छे खाने से लेकर एक्सरसाइज के अलावा बीमार पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेने से भी नहीं चूकते। बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयाँ भी समय समय पर लेते हैं, लेकिन जब आपको पता चले कि वो दवाइयाँ आपकी सेहत के लिए एक खतरा हो सकती हैं, तो जिस सेहत को पाने के लिए हम हजारों की दवाइयाँ हर महीने खा जाते हैं, अगर वो दवाइयाँ नकली हुई तो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंचकुला के पिंजौर से। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचकुला जिला के कालका के अंतर्गत पिंजौर में ग्रीन वैली कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारकर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने एक नामी कंपनी की नकली दवाइयां बनाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने गुप्त सूचना पर धर्मपुर कांगोवाला रोड पर स्थित मकान से करीब 125,000 नकली टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए। इनकी कीमत करीब 15,00,000 रुपए बताई जा रही है। ये खबर हम तक पहुंचाई है हमारी सहयोगी उमंग शेरोन ने। जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रीन वैली घाटी वाला स्थित एक मकान में नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं। ये दवाइयां आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई भी की जाती हैं। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और मकान के अंदर जाकर देखा तो एक बड़े हॉल में मशीनें और दवाइयों के बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। डिब्बों पर A to Z विटामिन की कैप्सूल, पेंडी एल्कम हेल्थ साइंस नामक कंपनी के टैबलेट भी रखे हुए थे। मौके से पुलिस ने मालिक के सहित 3 कारिंदों को काबू कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने धर्मपुर कांगोवाला रोड पर गांव रामसर के समीप एक दुकान में गोदाम बना रखा है, जहां पर ड्रम के अंदर बोरियों में भरकर गोलियां रखी गई हैं। आगामी जांच पिंजौर थाना पुलिस को सौंप दी गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।